स्वागत है आपका इम्पैक्टफुल विद डॉक्टर एस के सिंह जज्बों के किस्से में। और आज एक ऐसा किस्सा जो आपको डॉक्टर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जिंदगी की शुरुआत में एक ऐसा समय आएगा जब खुशहाल रास्तों पे भी अंधकार नजर आएगा। तब ना किसी का साथ होगा, ना कोई रिश्ता खास होगा, बस करना तुझ पे खुद पे विश्वास होगा कि हर अंधेरी रात के बाद रोशनी का आगाज होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज ऐसे शख्स से मैं मिलाऊंगा जो हमें वाकई रोशनी देते हैं, हमें देखने का रास्ता दिखाते हैं। अगर किसी की आंख खराब हो जाए, पूरा संसार अंधेरा नजर आएगा, उस अंधेरे को रोशनी में कन्वर्ट करने का शख्स आज मैं मिलवाने आ रहा हूँ। ये दोनों ही डॉक्टर दंपति हैं और डॉक्टर्स कपल हैं, दोनों ही आँख के स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं। और सबसे खास बात ये है कि जहाँ से मैंने MBBS किया है वहीं से इन्होंने MBBS भी किया है। तो आज का जो सेशन है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो मेरे साथ है डॉक्टर अंकुश, जिन्होंने 10th स्टेट टॉपर थे हिमाचल से, और जब इन्होंने 12th किया तो इनका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 53। और इन्होंने MBBS मौलाना आजाद से किया है और MS PGI रोहतक से, फिर इन्होंने SRCF MMC से किया है, GNEC गुरु नानक आई सेंटर, इसके अलावा बहुत सारी डिग्रियां हैं जैसे FRCS और भी बहुत सारे चीज़। मेरे साथ हैं डॉक्टर लगन पॉल, जो कि स्टेट टॉपर रहे हैं क्लास 12th में हरियाणा से, और इन्होंने MBBS और MS PGI रोहतक से किया है, SRCF किया है और फेलोशिप किया है, और ये रेटिना में इन्होंने फेलोशिप भी किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अंकुश से शुरुआत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया और यहाँ तक कि कैसे पहुँचे, ताकि आप भी इनसे प्रभावित हों। सर, स्वागत है आपका इस जज्बों के किस्से में, और आपसे बच्चे बहुत प्रभावित होंगे आप दोनों से, और आपके बताए हुए सारे मार्गदर्शन को फॉलो करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकुश मुटरेजा है। मैं इस समय आई एम द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ आई फॉर यू हॉस्पिटल। ये मेरा खुद का प्राइवेट आई सेंटर है द्वारका न्यू दिल्ली के अंदर। मेरे मेडिकल करियर की आप कह सकते हैं शुरुआत जो 10th से आप कह सकते हैं, मैंने 10th से करा था। 10th मेरा कुल्लू हिमाचल से किया है। मैं तब स्टेट टॉपर था एंड आई ब्रोक ऑल माई स्कूल रिकॉर्ड्स। देन 11th मुझे दिल्ली में मुझे मौका मिला आने का, तो आई जॉइन DPS आर के पुरम, एंड 11th 12th मेरी DPS आर के पुरम से हुई। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने PMT क्रैक किया था। आई हैड ऑल इंडिया 53 रैंक एंड DPMT 11th रैंक, एंड एक साथ में एक अनदर फैदर इन द कैप था कि मैंने IIT एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया था। पर मेरा जज्बा डॉक्टर बनने का ही था। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय माई पेरेंट्स, वो दोनों डॉक्टर्स हैं, जो उनको कुल्लू में इज़्ज़त मिलती थी एज बींग एज डॉक्टर्स, दे वर एबल टू सेव लाइव्स, एंड माई मदर वॉज द फर्स्ट लेडी डॉक्टर इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ एंड आई डिसाइडेड टू टेक अप कैरियर इन मेडिसिन। दैन ड्यूरिंग माई MBBS डेज मुझे ऑप्थल्मोलॉजी बहुत ही अच्छी ब्रांच लगी, मुझे फैसिनेट किया इस ब्रांच ने। मेरी मदर भी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं, पर ड्यूरिंग इट वॉज मेरी फॉन्डनेस जो है मोर ऑफ इट केम इन द MBBS डेज फॉर ऑप्थल्मोलॉजी, क्योंकि ये बहुत ही क्लीन प्रिसाइज ब्रांच है एंड आप एक किसी भी इंसान की लाइफ चेंज कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे हमारे पेशेंट्स होते हैं जो दो लोगों को हाथ पकड़ के पहले हमारी OPD में लेकर आते हैं, पर एक अच्छी सर्जरी के बाद व्हेन दे हैव विजन तो वो अपने पैरों पे एक आत्मनिर्भर रूप में वापस चल के जाते हैं। दैट्स व्हाट गिव्स अस द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लगन पॉल है। मेरी इनिशियल एजुकेशन यमुनानगर हरियाणा से है। मैं वहाँ की 10th क्लास की और 12th क्लास की टॉपर रही हूँ। मेरी इंक्लिनेशन हमेशा से ही डॉक्टर बनने की है, जहाँ तक मुझे याद है फ्रॉम 4 years ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरे फादर एक डॉक्टर थे तो आई वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड टू बी डॉक्टर। उसको डॉक्टर बनने का मुझ में इतना पैशन था कि मैं इतनी मेहनत करती थी कि मैं किसी भी तरह एक डॉक्टर बन जाऊँ, एंड वही अल्टीमेटली मेरा सपना सच हुआ, मैं डॉक्टर बनी। मेरा रोहतक में एडमिशन हुआ, मैंने वहाँ से MBBS किया, उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ। एंड ऑप्थल्मोलॉजी में मैं इस तरह से आई कि जब PG की सिलेक्शन हो रही थी, आई वॉन्टेड ऑलवेज टू बी अ सर्जन। एक जनरल सर्जन बनती क्या ऑफ्थाल सर्जन बनती, इसमें डेफिनेटली एक डाउट था, बट आई चोज ऑफ्थल्मोलॉजी एज माई ब्रांच
एंड आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद आते 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 फिर हमने जब MBBS किया, MS किया कंप्लीट, तब लगा कि शायद एक रेटिना बहुत डिफ़िकल्ट ब्रांच है क्योंकि रेटिना स्पेशलिस्ट बहुत कम हैं एंड मोर टू अ फीमेल रेटिना स्पेशलिस्ट और भी कम हैं। तो उस तरह से मैंने सोचना शुरू किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे इंस्पायर किया दैट यू शुड गो फॉर रेटिना सर्जरीज, यू शुड गो फॉर पोस्टीरियर सेगमेंट, एंड डेफिनेटली आई वेंट विद हिज चॉइस, आई बिकेम अ रेटिना सर्जन। दैट इज़ हाउ आई बिकेम अ रेटिना स्पेशलिस्ट और अ रेटिनोलॉजिस्ट। तो सर शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, जैसे आपने आपको सबसे पहले इंस्पायर कैसे हुए कि आपको डॉक्टर ही बनना है, और कौन से एज में, मतलब बच्चा आजकल के ज़माने में तो 8वीं 9वीं से लोग भेज देते हैं कि भाई तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप कब से डिसाइड किया और ऐसा क्या फैक्टर था कि आपने चूज़ किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए? डॉक्टर बनने का जो जज्बा जैसे आप पूछ रहे हैं वो मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स को देख कर आया है। जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं अपने क्लिनिक पर ही जाया करता था अपने पेरेंट्स के क्लिनिक पर, तो जिस तरह वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते थे और जो उनको पेशेंट से रिस्पेक्ट मिलती थी कि 70-80 साल का एक बुज़ुर्ग आदमी भी है क्योंकि उन्होंने ट्रीट किया है तो उनके पैर छूके जा रहा है और एक उनके लिए एक प्यार का भाव होता था, ये देख के सबसे ज़्यादा शायद मैं डॉक्टर बनने के लिए इंस्पायर हुआ और उसी ने मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरणा दी। जैसे कि आपने पूछा, मेरी प्रेरणा शायद मेरे पिताजी थे, वो एक पीडियाट्रिशियन थे और एक छोटे से शहर में एस्टैब्लिश्ड थे। हमारा एक हॉस्पिटल था जो कि बेस ग्राउंड फ्लोर पे था और हमारा हर घर फर्स्ट फ्लोर पे था। जहाँ तक मुझे याद है शायद 4 साल की उम्र से उनको देखकर मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी, मेरी लाइफ में कोई सेकेंड ऑप्शन था ही नहीं। मैं उनको देख के इतनी इंस्पायर्ड थी कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं MBBS नहीं करूँगी, यहाँ तक कि BDS भी मिलती थी मुझे, BDS के भी ऑप्शंस थे, बट डेफिनेटली मेरा एक ही एम था, सिर्फ एक तक, जैसे अर्जुन सिर्फ मछली की आँख देखता है वैसे ही मुझे सिर्फ MBBS ही करना था। तो अब सर से जानेंगे और मैम से जानेंगे कि इन्होंने ऑल इंडिया रैंक जो हासिल की है कैसे हासिल की है, क्योंकि आप जानते हैं अब वो नीट है, पहले वो PMT और स्टेट हुआ करता था और उस समय भी कंपटीशन था, ऐसा नहीं है कि उस समय कंपटीशन नहीं था, आज भी कंपटीशन है, आज भी 16 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, उस समय थोड़ा कम था बट यस कंपटीशन तो था ही था। तो सर से सबसे पहले जानेंगे कि इन्होंने शुरुआत कैसे की, PMT की तैयारी कैसे की और इनके क्या क्या चैलेंजेस थे और जिन्होंने इन्होंने फेस किया। सर मेरी PMT की जर्नी शायद 10th से ही शुरू हो गई थी, 10th में आई स्कोर्ड 94%, उस टाइम पे काफ़ी वैल्यू होती थी, आजकल थोड़ी कम हो गई है। आई वॉज अ स्टेट टॉपर, आई क्रैक्ड द रिकॉर्ड ऑफ 30 years इन माई स्कूल, किए थे हाइस्ट परसेंटेज का इन बोर्ड्स देन, तो इससे मुझे एक प्रिविलेज या एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली इन DPS RK Puram। मैंने अप्लाई किया तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में आके जब हमने दुनिया देखी तो ये समझ आया कि यहाँ आप मतलब अकेले नहीं हो, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है और आपको यू हैव टू बी रियली फोकस्ड, तभी आपको कुछ यहाँ अचीव कर सकते हो। 11th-12th में लकीली आई वॉज एबल टू अचीव दैट फोकस एंड मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। उस कोचिंग के में जो ट्रेनिंग मिली प्लस जो स्कूल में ट्रेनिंग मिली दैट हेल्प मी एंड बाकी जो जैसे नॉर्मल सब स्टडी करते हैं वैसे ही किया था। बस ये थे कि फोकस थे और मेरी जो टिप रहेगी अपने जो भी आप सुन रहे हैं सब्सक्राइबर्स, उनको ये ज़रूर टिप रहेगी कि लोग इस टाइम पे गड़बड़ ये करते हैं कि जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो उसको पढ़ते रहते हैं, जैसे कोई फिज़िक्स में स्ट्रॉन्ग है वो फिज़िक्स करता रहता है, वो बायो छोड़ देता है। मेरा इसमें यह था कि टेक द बुल बाय द हॉर्न, तो जो आपका जो वीक पॉइंट है, आप अगर स्टडी अगर दिन में 10 घंटे कर रहे हैं तो 6 घंटे अपने वीक सब्जेक्ट को दीजिए, 2.5 घंटे जो मीडियोकर वाला सब्जेक्ट है उसको दीजिए, जो आपका स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए। क्वेश्चंस सबसे आने हैं, आपको पूछा हर सब्जेक्ट से जाएगा, हर का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, तो जो आपका वीक पॉइंट है प्लीज़ उसे टाइम दीजिए, आपको हर पॉइंट हर तरफ से स्कोर करना है तभी आपका एक गुड स्कोर बन पाएगा। लोग क्या करते हैं कि जो उनको पसंद है बस वही पढ़ते रहते हैं, कोई बायो में अच्छा है तो बायो में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है बट फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, तो अल्टीमेटली उसकी रैंक नीचे गिर जाती है। सेकंड टिप मेरी तरफ से जो रहता है, जो आज के टाइम पे बहुत लोग इसको डिसएग्री करते हैं कि प्लीज़ फॉर एटलीस्ट फॉर PMT कीप मैथ्स, मैथ्स मेरे हिसाब से होना चाहिए बच्चों के पास, मैथ्स उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मैथ्स आपको बोर्ड में चाहे हेल्प करे ना करे, आप चाहे उसे जितना मर्जी घबराएं पर अल्टीमेटली फिजिक्स का जो आप सॉल्व करते हैं उसमें मैथ्स ही लगता है। फिजिक्स के MCQ सॉल्व करने में अगर आपके पास मैथ्स होती है तो आई डेफिनेटली बिलीव कि जो आपकी स्पीड है
फिजिक्स में वो बढ़ जाती है, और क्योंकि आपको एक लिमिटेड टाइम में एक प्रेशर सिचुएशन होता है पीएमटी के टाइम पे, तो सिंस यू हैव अ गुड स्पीड इन मैथ्स तो आपको फिजिक्स में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा एंड यू विल बी एबल टू डू योर एमसीक्यूज फास्टर। आजकल बहुत सारे बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं, मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए, बाकी सबकी अपनी चॉइस है। सी एवरीबडी सेज लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जब मैं 11th क्लास में पहुंची तो अनलकीली जो हरियाणा की कोचिंग तो पूरी तरह बंद हो चुकी थी, और वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं थी कि आप कोई भी कोचिंग लेके फिजिक्स केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो अपने आप ही स्टडी किया मैंने 11th एंड 12th। बहुत मुश्किल नहीं था, बट हाँ डेफिनेटली जब आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमेशा ऐसा लगता है कि जो शायद ऑपोजिट साइड पे लोग हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बड़े शहरों में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमसे फास्ट हैं, हमसे ज़्यादा हैं, पर ऐसा नहीं है। ये धारणा पालना कि वो हमसे बेटर हैं, ये सबसे पहले तो हमें इस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है। अगर आप इतने फोकस्ड हो कि आपको कुछ अचीव करना है तो आप दुनिया में किसी भी कोने में हो वो आप अचीव कर लोगे। सो उस टाइम पे मैंने सेल्फ स्टडी किया और उसके बाद कोचिंग भी लिया, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज ज्वाइन किए, बट अल्टीमेटली जैसा मेरे सीनियर्स ने मेरे भाई बहनों ने मुझे समझाया कि आपको एनसीईआरटी को फोकस बनाना है और सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान देना है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं डेफिनेटली दे कैन हेल्प यू टू रो, बट अल्टीमेटली इट्स यू हु हैज़ टू स्विम। अल्टीमेटली आपको ही उस नहर को पार करना है, उस दरिया को पार करना है अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए। तो जो हमारा ये सीरीज़ है जज्बों के किस्से, बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और आपको बहुत सारा चीज़ ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि जब हम कोई भी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम ढूंढने लगते हैं कि हमारे वीकनेसेस क्या हैं, और आप देख ही रहे हैं कि कोई ना कोई वीकनेसेस होती ही होती हैं, कोई वीक पॉइंट होता ही होता है, तो आपको उस वीक पॉइंट को करके क्रैक करके आगे जाना है। अब हम बात करेंगे, इन्होंने MBBS कर लिया, PG, क्योंकि PG भी आपके मन में सवाल रहता है कि PG तो करना ही करना है, आज के टाइम में बहुत मैंडेटरी है। अगर आप वाकई एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप MBBS के बाद PG अगर आपने नहीं किया तो समझो कि कुछ नहीं किया। पर ये अलग अलग थॉट्स हैं, बट आज के टाइम में PG बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैम से जानेंगे क्योंकि उन्होंने सेम जगह से MBBS किया है, सेम जगह से PG किया है, और PG में कैसे चैलेंजेस थे, कैसे इन्होंने PG की तैयारी की, और कैसे सेम जहाँ से उन्होंने MBBS किया वहीं पर उन्होंने PG के सीट को उठा ली, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले मैम के तरफ जाएंगे। MBBS करने के बाद PG करना सबसे मैंडेटरी है आज की डेट में। MBBS की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो चूजिंग अ ब्रांच इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिकॉज वही चीज़ है जो आप थ्रू आउट लाइफ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आज आप सही चॉइस करते हैं तो ही आप कल खुश रहेंगे। तो उसका डिसीजन लेना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे लाइफ में। तो मेरी लाइफ में ऑप्थेल्मोलॉजी कैसे आई, जब मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया तो जो मेरा रैंक आया, मेरे सीनियर्स मेरे साथ खड़े थे काउंसलिंग में, एज यू नो कि ड्रॉपर्स होते हैं आगे पीछे, मैं बहुत था कि मुझे क्रैक ड्रॉप नहीं करना। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप के कुछ पार्ट लास्ट के 3 मंथ्स ड्यूटीज स्किप करके अपना टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो ग्रेस मिलता है मैंने उतनी ड्यूटीज़ करी कि मैं अपने 3 महीने फोकस्ड रहकर अपनी PG की तैयारी करूं। एंड लकीली मैंने अपना PG क्रैक किया, सेम इंस्टीट्यूट में क्रैक किया। और जब मैं काउंसलिंग के लिए खड़ी थी मेरे सीनियर्स ने मुझे यही पूछा कि तू क्या लेना चाहेगी, मैंने बोला कि ऑप्थेल्मोलॉजी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऑप्थेल्मोलॉजी क्यों, तुम्हारे डॉक्टर हैं क्या पापा, आई डॉक्टर हैं तो तुम्हें ट्रेनिंग कौन देगा। मैंने कहा नहीं, मेरे पापा तो आई डॉक्टर नहीं है, पर देखेंगे, पर मुझे आई सर्जरी करनी है तो मैं सर्जरी सीखूंगी जैसे मर्जी सीखूंगी। मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी लिया, मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद टफ था थोड़ा सा इनिशियली इस्टेब्लिश होना, बिकॉज हर चीज़ आप बड़ी बड़ी देखते हो, गायनी इतनी बड़ी देखते हो, जनरल सर्जरी इतनी बड़ी देखते हो, आई में तो हैंड आई ब्रेन सब कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए, बिकॉज आप माइक्रोस्कोप से सर्जरी कर रहे हो, आपके हाथ भी चलते हैं, आपके पैर भी चलते हैं, आपकी आंखें भी चल रही हैं, आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए ऑन द टेबल हर चीज़ फोकस करने के लिए। बट डेफिनेटली अगर आपको करना है तो आपको करना है, आप सीखते हो, सर्जरी सीखी एंड उसके बाद पोस्टीरियर सेगमेंट सीखा। तो दिस इज़ हाउ लाइफ गोज ऑन, आपको जो करना है वो करना है। इसमें अगर आप अपने मन को एक पर्टिकुलर टारगेट से या एक पर्टिकुलर फोकस से हटाओगे तो आपको आएगा कि मैं कैसे करूँगा, पर जब आप सोचोगे कि मुझे करना है तो आप उसको अचीव कर ही लेंगे। आइए सर से जानते हैं कि इनके क्या चैलेंजेस थे PG प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, और जब ये कॉलेज में गए
तो इनको कैसा लगा ऑप्थल्मोलॉजी ये जानते हैं। ऑप्थल्मोलॉजी के लिए मैं इंस्पायर कैसे हुआ, आई थिंक जब मेरी MBBS में हमारे थर्ड ईयर में हमारी पोस्टिंग लगती है ऑप्थल्मोलॉजी की, आई फाउंड इट अ वेरी फैसिनेटिंग ब्रांच, और तब शायद मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं मुझे आगे चल के सर्जरी ही करनी है, और उसमें भी अगर गॉड्स ग्रेस रही तो मुझे ऑप्थल्मोलॉजी मिल जाए तो मैं ऑप्थल्मोलॉजी ही करूँगा। घर पे भी देखते थे, मेरे मदर भी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं तो वो भी एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए, बट हाँ मेरे फादर भी रेडियोलॉजिस्ट थे, मेरे पास दोनों चॉइसेस थी। जब मैंने PG का मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो आई वॉज गेटिंग रेडियोलॉजी, बट मुझे सर्जरीज का ज़्यादा फैसिनेशन था तो आई चोज ऑप्थल्मोलॉजी। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी चल रही है और आप सब प्रभावित हो रहे हैं, और सबसे पहले जैसे आपके भी मन में बहुत सारे क्वेरीज रहती है कि हम डॉक्टर बन जाएं तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए या कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहिए या अपना एक छोटा सा क्लिनिक या सेंटर इस्टेब्लिश करना चाहिए। मैम और सर एक सेंटर इन्होंने ओपन किया आई फॉर यू, कितना फैसिनेटिंग नेम है आई फॉर यू, आपके लिए आँख है। तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल को छोड़ के एक सेंटर इस्टेब्लिश किया, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या चैलेंजेस रहे हैं, मैम और सर से जानेंगे। हमारे प्रोफेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हर 3 साल बाद आप एक तरह से यू आर बैक टू स्क्वायर वन, कि MBBS ख़त्म हुआ फिर एक PG पकड़नी है, PG के बिना आप कुछ नहीं है, PG पकड़ने के बाद फिर एक सर्जिकल ट्रेनिंग होती है। मेरे 3 साल सीनियर रेजिडेंसी हुई, जितने मेरे कलीग्स थे साथ में सीनियर रेजिडेंसी के, तो मोस्ट ऑफ देम दे वर विलिंग कि हमें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, एंड मुझे भी ऑफ़र आया था अपने टाइम पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का ज्वाइन करने का, बट आई फाउंड वर्किंग एट माय ओन सेंटर दैट इज़ मोर ऑफ अ प्रिविलेज एज कम्पेयर टू वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। एक तो आप इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका अपना सेंटर है, आप जिस तरह चलाएं उस तरह आप चलाना चाहते हैं वैसे चला सकते हैं, अपने हिकअप्स भी होते हैं, पर हाँ आप इसमें कॉर्पोरेट कल्चर से जो बहुत ज़्यादा दूर है एक्सप्लॉयटेशन से वो आप रहते हैं क्योंकि ये मेरा सेंटर है। अल्टीमेटली मैंने ये रियलाइज़ किया डाउन द लाइन कि जितने मेरे दोस्त कॉर्पोरेट कल्चर में थे अल्टीमेटली आफ्टर 5 ईयर्स डाउन द लाइन वो कहते नहीं यार तू सही था, एंड मोस्ट ऑफ देम नाउ दे हैव स्टार्टेड लीविंग द कॉर्पोरेट एंड दे हैव स्टार्टेड ओपनिंग देयर ओन सेंटर्स। मेरा ये सेंटर येस हिकअप सबको आते हैं, मुझे अल्टीमेटली अपने ये सिचुएशन थी कि क्योंकि रेंट दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है, आई की ऐसी ब्रांच है कि इसके अंदर आपको स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, छोटी स्पेस में काम नहीं होता तो वो रेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली आई हैड टू कन्वर्ट माई ओन हाउस इन टू अ सेंटर। मशीन्स क्योंकि आई के अंदर ये सारे इक्विपमेंट बेस्ड ब्रांच है तो इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं, मैंने अपना OT लगाया, फिर स्टेप बाय स्टेप करके हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते गए, फिर मैम ने मेरी वाइफ ने ज्वाइन किया, शी डिड अ फेलोशिप, तो हमने अल्टीमेटली आई कैन से वेरी प्राउडली कि अब हमारे सेंटर के अंदर मोस्ट ऑफ द आई की जो भी सर्जरीज हैं जो वर्ल्ड में होती हैं वो अपने सेंटर में कर सकते हैं। मैं कैटरेक्ट और ग्लॉकोमा देखता हूँ, वी इवन हैव रेटना विच मैम विल एलाबोरेट, तो पोस्टियर सेगमेंट सर्जरीज जो शायद ही मतलब मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में 200-250 सेंटर्स होंगे, हम यहाँ पे अपने रेटना की सर्जरीज कर सकते हैं। वी हैव द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एट आर सेंटर, वी आर NABH accredited. And we have a decent outflow of patients here. मैंने कुछ टाइम पहले कंसल्टेंसी ज्वाइन किया था बिकॉज रेटना एक ब्रांच है जो कि एक बहुत हाईली स्पेशलाइज ब्रांच है, इसमें एक जो लर्निंग कर्व है वो काफ़ी स्टीप है, तो उस टाइम पे आपको अगर एक बैकअप हो जहाँ पे एक अच्छी ट्रेनिंग कर सकें आप, तो मैंने डेफिनेटली श्रॉफ से कंसल्टेंसी करने के बाद अपने हस्बैंड को यहाँ ज्वाइन किया। मेरा एक ही एम था कि एज यू नो कि द्वारका जो एरिया है ये काफ़ी इस्टेब्लिशिंग और अपकमिंग एरिया है, यहाँ पे कोई भी फुल टाइम रेटना स्पेशलिस्ट नहीं है, तो जॉइनिंग माय हस्बैंड आई वांटेड कि एक द्वारका में आपको एक ऐसी फैसिलिटी मिले जहाँ पे आपको एक पर्सनलाइज टच हो, जहाँ पे अगर आप हमारे यहाँ मूव करते हैं या आप हमारे पास विजिट करते हैं सो दैट हम इस चीज़ को मेक श्योर करें कि हम आपको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ दें विद अ ह्यूमन टच, हम आपको उस तरह की सुविधा दें जो आपको एक कॉर्पोरेट कल्चर में मिलती हैं, कॉर्पोरेट सेंटर में मिलती हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। तो मेरे हस्बैंड और मेरी यही एक एम है कि हम द्वारका के लोगों को ऑल ओवर इंडिया जो भी हमारे पास आए हम उनको वो सुविधा दे सकें एक रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट पे, एक
एक ह्यूमनली टच के साथ, एक पर्सनलाइज्ड टच के साथ, सो दैट आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है अपने डॉक्टर से। ये नहीं कि आज आप कॉर्पोरेट में गए तो आपको एक डॉक्टर ने देखा, पर अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे, आप उनको ट्रेस ही नहीं कर सकते, आपके पास उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप कैसे बोलेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। सो आपकी कहानी जहाँ कल थी वो आज एक और डॉक्टर के सामने है, तो उस जो एक कम्युनिकेशन बैरियर है या एक गैप है डॉक्टर पेशेंट का, उसको ख़त्म करना चाहते थे हम। तो हम लोगों ने इसलिए एस्टैब्लिश किया कि एक लाइफ बैलेंस करने की कोशिश करी, एक पेशेंट और जो डॉक्टर का रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी। हमारा एक ही एम था कि इट्स नॉट द बिल्डिंग हु ट्रीट्स यू, इट्स ऑलवेज द डॉक्टर। आप एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर इतने सेटिस्फाइड और सुकून महसूस करें कि आपकी प्रॉब्लम आधी तो वहीं ख़त्म हो जाए। तो हम यही चाहते थे कि इट्स नॉट द बिल्डिंग विच ट्रीट्स यू, इट्स ऑलवेज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द पेशेंट। तो सबसे अब इम्पॉर्टेंट पहलू पे चलेंगे, लाइफ स्टाइल पे, क्योंकि आप नीट की तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत दूर की सोचते हैं कि मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, जब मेरी शादी होगी, मेरी वाइफ और बच्चे होंगे तो उनके साथ मैं कैसे रह पाऊँगा। या आप जानते हैं कि डॉक्टर का कोई टाइम नहीं होता है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है या कॉर्पोरेट में है तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, इवनिंग हो, नाइट हो, डे हो। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके मन में भी यही डाउट रहता है कि पता नहीं बच्चे की शादी होगी और बच्चे उनके होंगे तो पता नहीं कैसे टाइम दे पाएंगे, नींव दे पाएंगे। अब सर और मैम से जानेंगे कि ये अपने आप को कैसे टाइम देते हैं, अपने दूसरे को कैसे टाइम देते हैं, अपने बच्चों को कैसे टाइम देते हैं। इनके दो छोटे किड्स हैं और ये अपने को उन बच्चों को कैसे टाइम देते हैं। इसमें मेरे सबके लिए एडवाइस यही रहती है कि आप अपने बॉस हो, यू डिसाइड वेयर यू वांट टू टेक योर लाइफ। बैलेंस बहुत ज़रूरी है फैमिली के लिए भी और वर्क के लिए भी। तो इसमें सबको अपने क्राइटेरिया अपने आप सेट करने चाहिए। हम दोनों प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं अपने, तो यस, इनिशियल ईयर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने सेंटर को भी डेडिकेट करना पड़ता है, बट ओवर द टाइम यस, आपके पास टाइम और मिल जाता है और चीज़ें करने का, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं। वी वर्क 6 days a week, 7 days हमारा ऑफ रहता है। वी स्पेंड आवर टाइम विद आवर फैमिली एंड किड्स, वी लव दैट। इवनिंग के अंदर भी हम आफ्टरनून के अंदर भी अपने ब्रेक्स ले सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा सेटअप रखा है कि हमारा घर बहुत पास है तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड बाई 8 o'clock यूजली वी एंड वी हैव मेड अ रूल कि हम 8 o'clock यहाँ बंद करना है तो हम बंद करेंगे। 7:30 के बाद हम कोई पेशेंट डायलेट नहीं करते हैं, सो दैट वी कैन वाइंड अप आवर वर्क एंड वी कैन गो बैक टू आवर होम विद आवर चिल्ड्रेन। वी लव स्पेंडिंग टाइम विद आवर चिल्ड्रेन, वो भी हमारी राह देखते हैं, हमें भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और हमारी लाइफ का भी सबसे बड़ा जॉय शायद उनके साथ टाइम स्पेंड करना ही है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं, तो शायद एज अ वुमन तो हर लेडी को बैलेंस करना होता है। आप किसी भी ब्रांच में होंगे, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप बैंक में हैं, चाहे आप MNC में काम कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रगल बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो उसको बैलेंस करने का हमने जो तरीका निकाला है कि हम दोनों एक ही ब्रांच में हैं सबसे पहले, तो एक जने का बैकअप दूसरा बन सकता है। सो, अगर हमें किसी को एक जगह जाना है तो दूसरा संभाल लेता है, यहाँ पर दूसरा पेशेंट्स को देख लेता है। और बच्चों के साथ भी हमारा ऐसे ही है, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ अभी बिकॉज बच्चे छोटे हैं, तो ही टेक्स केयर कि वो और थ्रू आउट द डे अवेलेबल है अपने पेशेंट्स के लिए। एंड मोर ओवर फैमिली, जब आपके इन-लॉज आपके साथ रहते हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, तो उनका एक सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्टर्स के लिए नहीं, ये सबके लिए, जो भी वर्किंग लोग हैं, जो पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनको ये बैलेंस क्रिएट करना ही होता है। तो ये कहना कि सिर्फ डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स हैं कि जो बैलेंस कर रहे हैं, आई थिंक ये गलत होगा। हम सभी अपनी लाइफ को एक तरह से बैलेंस ही कर रहे हैं और वही हमारा एम है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो बच्चे हैं, उन सबको एक बैलेंस, यही लाइफ है। तो अब हम जानेंगे कि क्या एक ग्रेट मैसेज होगा ताकि आप भी सर और मैडम की तरह आप एक ग्रेट डॉक्टर बने, अपना ऑन सेंटर एस्टैब्लिश कर सकें, कैसे आप नीट को क्रैक कर सकें और बेहतर मेडिकल कॉलेज से आप अपना MBBS और MS और whatever MD कर सकें। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि प्लीज़ स्टे फोकस्ड, क्योंकि जिस एज में आप होते हैं अपना फोकस लूज करना बहुत आसान होता है, 15, 16, 17 टीन्स जो होते हैं, बट आप फोकस रहेंगे तो आपको नीट से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको अपने काम पे फोकस रखना है। इन्जॉय योर स्ट्रगल एंड
यू विल बी सक्सेसफुल। मेरा मैसेज जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए होगा यही फोकस है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप फोकस हैं कि आपको करना क्या है तो आप उसके लिए एस्पायर करेंगे रादर देन कि सोचने के लिए कि कल क्या होगा कैसे करेंगे। उससे इम्पोर्टेंट है कि आज क्या करना है उस पर ध्यान दीजिएगा। आप आज जो करेंगे वही कल बनेगा और इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम अचीव कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स अचीव कर सकते हैं, तो आप भी अचीव कर सकते हैं। ये सोचना कि मैं नहीं कर सकता, सबसे पहले तो उस नेगेटिव थॉट को निकालिएगा। Everybody can do it, whoever wants to. If you aspire, you can reach your goal. Thank you. I hope कि आपने enjoy किया होगा पूरा ये conversation, और वाकई इस conversation से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसे सर ने बताया, मैडम ने बताया, आप वैसे ही अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें और डॉक्टर बने। हमारी और सर और मैडम की भी यही चाहत है कि आप डॉक्टर बने। I hope कि आपने enjoy किया होगा पूरे session को। एक आपसे रिक्वेस्ट ही है कि मैं आप पे छोड़ना चाहता हूँ कि आपको इन सब कन्वर्सेशन में कौन सा बेहतर पार्ट लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं अनदर एपिसोड में, जज्बों के किस्से में, अनदर डॉक्टर से मिलेंगे, ताकि आप जो हैं मोटिवेट रहें। यही लक्ष्य है इस चैनल का। तो नए हैं तो इस रेड कलर का बटन है, इसे ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नया एपिसोड आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच। आप इसको फ्रेमिंग अच्छे से करना, करो जल्दी, थोड़ा नीचे 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 नीचे, हाँ बस परफेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ से रेटिना में फेलोशिप हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, वो कट हो जाए, प्रॉपर आएगा। चलो अब मेरा काम खत्म हुआ, अब आपका शुरू होगा। इंजन मिले ना, फिर मैं क्वेश्चन सर आपसे पूछूंगा। नहीं, कैमरा देखे, और आप आराम से नॉर्मल जो भी है वो बताना, फिर आप बताना, फिर आराम से फ्लो में, मतलब प्रॉपरली धीरे धीरे, क्योंकि कट बीच बीच में बहुत आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा करना है अपना। हाँ ठीक है सर, मतलब इन्होंने 10th हिमाचल के स्टेट टॉपर हैं। इन्होंने 53 रैंक, ऑल इंडिया रैंक इन्होंने दिया है PMT और MMC से MBBS और MS PGI रोहतक से एसआरशिप। क्या करें, फिर से करें क्या? अरे यार, तो गड़बड़ हो जाएगा क्या सर? गुरु नानक आई सेंटर बोलना।